अस्सलाम वालेकुम जी. वेल हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आबिया समर. हाउ आर यू ऑल? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी, आज मैं जो हूँ छत की सफाई करने आई हूँ एक्चुअली, क्योंकि होने वाला है छत पे बारबेक्यू. और बारबेक्यू को आपको पता है कि पूरी छत रिजर्व हो जाती है और मेहमान वगैरह भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे पूरी छत का सारा सामान समेटना है, यू नो. और साथ ही साथ जो है ना, मैंने सोचा कि ये मैंने शेप बनाई थी इसकी सीमेंट की, प्योर सीमेंट की, तो इसका मैं आपके साथ क्रम्बलिंग भी कर लूँ और साथ ही साथ मैं आपको अपडेट भी दे दूँ कि आज मेरी छत की हो रही है सफाई. अच्छा, मैंने वीडियोज़ बहुत सारी रिकॉर्ड कर ली हैं. इंशाल्लाह वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी. ईद के 3 दिन लगातार आपको वीडियोज़ मिलेंगी इंशाल्लाह ताला. और फिर उसके बाद हम लोग आगे मज़ीद और एक और बात भी मैं शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में मेरे साथ बंदे रहें, स्टे कनेक्टेड में. अच्छा जी, मुझे एक और बात करनी थी कि अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स से, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो मुझे उनसे ख़ास और इम्पॉर्टेंट बात करनी थी. वो ये थी कि मेरी वीडियोस रोज़ आ रही हैं, डेली बेसिस पे आ रही हैं, तब कैसी लग रही हैं? आप अपने कमेंट्स में साथ ज़रूर शेयर करें. बहुत सारे नए सब्सक्राइबर भी आए एंड थैंक यू सो मच. और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. और यहाँ मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर कर रही हूँ सिर्फ उन मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए. आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच टू कनेक्ट विद मी. और आप कमेंट भी करें कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से मुझे वॉच कर रहे हैं. आई रियली अप्रिशिएट इट, ट्रूली आई अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच. यहाँ ये सीमेंट बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है क्योंकि शायद ओस गिर रही है. ओस तो खैर नहीं गिर सकती, सर्दियाँ थोड़ी हैं, लेकिन पता नहीं, मैंने पानी बहुत लिमिट में डाला था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना हार्ड हो गया है टेक्सचर. और ये मेरे हाथों पे इतना महसूस हो रहा था, आई कांट एक्सप्लेन कि मेरे हाथों पे इतनी ज़्यादा इसने चोट दी है. मेरे हाथों पे, मेरी हथेलियों में दर्द हो रहा था, लिटरली हथेलियों में दर्द हो रहा था. तो फिर मैंने जो है ना, इनको क्या किया कि इनको ऐसी मोटी मोटी पीसेस में, चंक्स में मैंने तोड़ लिया. अब मैं इसको प्रॉपर, ईद के बाद मेरी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं प्रॉपर इसको क्रश करूँगी. और अभी तो मैं इसको साइड पे कर दूँगी, इसको छान के मैं इसको साइड पे कर दूँगी. लेकिन मैं इसको जो है ना, जो बड़े बड़े पीसेस में निकाल रही हूँ, इनको मैं बकायदा जो है ना वो क्रश करूँगी. और किसी ईंट के साथ, या मेरे पास एक है मार्बल का पीस है उसके साथ, या फिर मैं हथौड़ी के साथ किसी तरह इसको क्रश करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हुआ है. फ़र्स्ट टाइम मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है मेरे हाथों में. दैट टाइम जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तभी मेरे हाथों में बहुत पेन हो रहा है. लेकिन जस्ट बिकॉज यू, ऑल ऑफ यू ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स, माई लवली सब्सक्राइबर्स, ये पेन कुछ भी नहीं है मेरे लिए. थैंक यू सो मच. और हाँ, साथ ही साथ ये मैंने इसका सीमेंट का टेक्स्चर बनाने का सोचा इसलिए कि मेरे पास एक कमेंट आया था, कमेंट आया था कि सीमेंट का टेक्सचर जो है ना, वो भी बहुत मिलीशियस होता है, तो वो भी आप कभी क्रिएट कीजिएगा. तो सीमेंट का टेक्सचर का मसला ये है कि सीमेंट का टेक्सचर इतना आराम से बनता नहीं है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. इसमें मैंने कंक्रीट ऐड किए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि ये एक अच्छा सा टेक्सचर बन जाए. और बना क्या, ये आपके सामने है, ये नहीं बना. और जो इसमें रियो सीमेंट इसके अंदर से निकली है, इंशाल्लाह उसका तो मैंने सीमेंट टेक्सचर बनाना ही बनाना है. लेकिन जो ये बाकी के कॉन्क्रीट्स वगैरह होंगे, इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसके लिए मैं प्रॉपरली एक नया टेक्सचर इसका बनाऊंगी मैं. और इंशाल्लाह वो बहुत यम्मीलिशियस होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था. अभी मैंने थोड़ी सी सीमेंट का बनाया था, मुझे आइडिया हो गया कितना और कम पानी रखना है. तो इंशाल्लाह मैं जो मेरी बाकी प्रॉपर 2-2.5 किलो सीमेंट रखी हुई है, उसका मैं प्रॉपर सही से उसको बनाऊँगी. सही है, थैंक यू सो मच. अब आप वीडियो को देखें, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. और मेरे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. और जो ओल्ड हैं, जो मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, मेरी वीडियो बातें ज़रूर से कमेंट करते हैं, तो आप लोगों के इस प्यार का, इस खलूस का, इस मैं क्या कहूँगी, इसका यू नो, आप इस अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया. आप सब जो है ना, मेरी जानूज हो. नया वर्ड जानूज. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. 2-3 दिनों में ना, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, व्यूज़ भी बहुत अच्छे हुए हैं. अच्छा, अजान हो रही है, फिर दोबारा आपसे कनेक्ट करती हूँ.
अच्छा जी, तो मैं जो हूँ वो इसको अब छान रही हूँ और इसमें से जो रीयूज सीमेंट निकलेगी इंशाल्लाह मैं उससे बहुत ही एक अच्छा वो बनाऊंगी, टेक्सचर बनाऊंगी। और ये सिर्फ वाहिद ये वाली सीमेंट नहीं है, मेरे पास और भी बहुत सारी सीमेंट है और मैं उन सबसे बनाऊंगी शेप, क्योंकि वो टेक्सचर, क्योंकि सीमेंट का टेक्सचर नो डाउट मेरा भी बहुत फेवरेट है। अच्छा, और साथ ही साथ ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये सीमेंट इतना उड़ी है, इतना उड़ी है, इतनी हवा थी छत पर, ऐसा लगा था सारी हवा आज चल गई है जो है ना, सारी हवा ने पूरा छत पर सीमेंट सीमेंट कर दी थी। फिर यहाँ तो वीडियो में बहुत कम नज़र आ रही है क्योंकि बाकी सारी हवा में उड़ रही थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही थी, लेकिन ये कि सारी सीमेंट को फिर मैंने समेटा और फिर उसके बाद वो मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया कि आसपास बहुत गिरदन हवा में बहुत सीमेंट उड़ी थी। तो ये आपको मेरी झाड़ू वाड़ू सब नज़र आ रही होगी साथ ही साथ तो ये था, तो ये मेरा आज का ब्लॉग था। इससे मैंने सबका आपसे बहुत सारी बातें करूं, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को मेरी आवाज़ बहुत पसंद है तो मैंने कहा उनको अपनी आवाज़ भी सुनाऊं, और आप लोग के ये कमेंट्स तो मुझे बहुत पसंद आए, मुझे लिटरली फर्स्ट टाइम जो है ना इस तरह के कमेंट आए, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो थैंक यू सो मच एंड इंशाल्लाह फिर मेरी आवाज़ वाले ब्लॉग भी आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगी हो तो मैं माजरत खा हूँ और जो है नेक्स्ट टाइम आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियोस बहुत सारी हैं और वो बारिश की तरह बरसने वाली हैं, तो कल कुछ इंटरनेट का मसला हो गया था, इंशाल्लाह आज भी वीडियो अपलोड हुई है और कल भी इंशाल्लाह होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं और बेल नोटिफिकेशन को भी हिट कर दें, और जो मेरे चैनल पे पुराने हैं वो तो अपना बहुत सारा प्यार दें, बहुत सारे कमेंट्स करें, अच्छे करें बुरे करें, आई रियली अप्रिशिएट इट आप जैसे भी कमेंट करेंगे।